हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सितंबर मंथ का थर्ड एंड फोर्थ वीक का करंट अफेयर। ओके, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको एक सेशन दिया था जिसमें हमने फर्स्ट टू 15th ऑफ सितंबर तक के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी डिस्कस किया था। अभी ये हमारा होने वाला है थर्ड एंड फोर्थ वीक, सो इसमें हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे एंड उसी के साथ इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, क्योंकि आप कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टार्टिंग बैंकिंग प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चार सेशन है मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ फॉर योर अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन। ये चार सेशन को जरूर गो थ्रू कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर ऑलरेडी मैंने आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किया है। अगर आपने कोई भी सेशन नहीं देखा होगा तो वो आप जाकर देख सकते हो। और रिविजन करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ ई बुक तो आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पर सारी ई बुक अवेलेबल है। ओके, सो मैंने आप लोगों को ऑल अबाउट करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस सारी चीज़ें बताई है। ये सेशन अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इन सब की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। और ईबुक अगर आप लोगों को लेनी है तो आपको कोचिफाई का एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड वहां से आप लोग कोई भी ईबुक जो है, जो भी सेशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, उन सारे सेशन की आपको ईबुक जो है वो मिल जाएगी। ओके, रिसेंटली हमने स्कीम का भी सेशन देखा था, ऑर्डर इंडेक्स एंड रैंकिंग का भी सेशन मैंने आपको एक प्रोवाइड किया था, और जो GDP रैंकिंग एंड जो RBI की पॉलिसी रेट्स है उसका भी सेशन मैंने आपको रिसेंटली प्रोवाइड किया है। सो वो सारे सेशन आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए गो थ्रू कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज डेवलप विच ऐप टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड वेल्स इन अ विलेज। सो क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो है इनमें से कौन से एप्लीकेशन को जो है डेवलप किया है जिसके तहत वाटर लेवल को जो है कुछ सिलेक्टेड वेल्स जो है विलेजेस की उसका वाटर लेवल जो है कैप्चर किया जाएगा थ्रू दिस एप्लीकेशन। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है ये हमें बताना है एंड एप्लीकेशन का नाम है ऑप्शन डी जलदूत। तो जलदूत एप्लीकेशन जो है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने उसे डेवलप किया है जिसके तहत क्या किया जाएगा वाटर लेवल को कैप्चर किया जाएगा और ये कुछ सिलेक्टेड वेल्स जो रहेगी विलेजेस की उन्हीं का इस तरह जो है वाटर लेवल कैप्चर किया जाएगा। सो ये ट्वाइस ईयर होगा बिफोर एंड आफ्टर द मॉनसून। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेट हैज बीन डिक्लेयर एज इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बाय यूनेस्को। सो कौन सा डेट जो है जो कि डिक्लेयर किया गया एज अ इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बाय यूनेस्को। सो यूनेस्को द्वारा ऐसा कौन सा डेट है जो कि डिक्लेयर किया गया एज ए इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, दैट इज 28th of September। ओके, सो ये डे डिक्लेयर किया गया है यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के लिए। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है, फाउंड किया गया था 16th of November 1945 को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु बैक द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी 21-22 अवार्ड फॉर मिशन सेफगार्डिंग। आंसर हो जाएगा कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोची में है। सो कौन से इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसने जो है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी 21-22 का अवार्ड जो है फॉर द मिशन सेफगार्डिंग के लिए जो है वो लिया है, उन्हें वो मिला है, कौन से एयरपोर्ट को मिला है? तो वो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे मिशन सेफगार्डिंग के लिए जो है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी का अवार्ड दिया गया है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। IFS ऑफिसर भंडारू विल्सन बाबू हैज बिन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो IFS ऑफिसर है ये भंडारू विल्सन बाबू, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो वो कंट्री का नाम है मेडागास्कर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडागास्कर का जो कैपिटल है वो है एंटीनानारिवो। ओके, करेंसी जो है वो है मलागासी एरीरी एंड जो प्रेसिडेंट है वहाँ के वो है एंड्री रोजेलेना। ओके, सो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि इंडियाज नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर टू मेडागास्कर, सो वो है भंडारू विल्सन बाबू, और अगर आपको पूछा गया इनका स्पेसिफिक नाम दिया और पूछा गया कौन से कंट्री के लिए बने हैं तो वो है मेडागास्कर। ओके, नेक्स्ट वन होगा क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज बिन सेटअप इन बेंगलुरु, हु हैज बिन इनॉग्रेटेड दिस फैसिलिटी। सो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि रिसेंटली क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है
वो स्थापित की गई है, और वो जो स्थापित की गई है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उसे लाया गया है, एंड उसे जो सेटअप किया गया है वो बेंगलुरु में सेटअप किया गया है। तो उसे किसने इनॉग्रेट किया इस फैसिलिटी को, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी हाल ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है 15th। तो उन्होंने जो है इस फैसिलिटी को, क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को जो है वो इनॉग्रेट किया है, एंड इसे मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, एंड ये जो सेटअप हुआ है ये बेंगलुरु में हुआ है। ओके, सो इसके लिए जो पैसा लगाया गया है वो 208 करोड़ रुपीज़ जो है इसके लिए लगाया गया है, एंड इसका जो कैंपस जो कंस्ट्रक्शन के लिए लगाया है, दैट इज़ 4,500 स्क्वायर मीटर का कैंपस जो है वो इसके लिए यूटिलाइज किया गया फॉर प्रोड्यूसिंग क्रायोजेनिक एंड सेमी क्रायोजेनिक इंजन फॉर द इसरो लॉन्च व्हीकल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ऑन विच डे वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। सो वो मनाया जाता है 26th of September, एंड इस साल का जो थीम था वो था स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो ये इस साल का थीम था, एंड 26th of September को जो है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022 इज ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑफ सेप्टेम्बर टू फोकस ऑन प्रमोटिंग टूरिज्म इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है सेप्टेम्बर मंथ में, ये पूछा जा रहा है। तो वो मनाया जाता है 27th of September। इससे पहले मैंने आपको 26th of September को बताया वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, एंड 27th of September को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, एंड इस साल का जो थीम था वो था रीथिंकिंग टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली चाइनीज साइंटिस्ट हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन वाइल्ड आर्टिक वोल्फ। सो हमें बताना है कि उसका नाम क्या है। आंसर है ऑप्शन सी, माया। माया जो है ये चाइनीज साइंटिस्ट द्वारा, मतलब बीजिंग बेस्ड एक जीन जेनेटिक फर्म है, उन्होंने जो है क्लोन बेस्ड वर्ल्ड का पहला वाइल्ड आर्टिक वोल्फ को जो है क्रिएट किया है। सो उसका नाम है माया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्लोनिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉपी को प्रोड्यूस करना होता है, क्रिएट को हम क्लोनिंग कहते हैं। सो ये पहली बार क्लोनिंग की प्रोसेस से जो एनिमल फॉर्म्ड हुआ था वो 1996 में हुआ था बाय द स्कॉटिश साइंटिस्ट। ओके, सो आफ्टर दैट बीजिंग बेस्ड जो फर्म है उन्होंने जो है आर्टिक वुल्फ जो है वो क्लोनिंग प्रोसेस से जो है वो फॉर्म्ड किया है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माया। ओके, और जो क्लोन ऑफ द आर्टिक वुल्फ होते हैं उन्हें वाइट वुल्फ भी कहा जाता है, उन्हें पोलर वुल्फ भी कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ टू डाइविंग सपोर्ट वेसल्स लॉन्च बाय इंडियन नेवी रिसेंटली। सो इंडियन नेवी ने रिसेंटली जो है टू डाइविंग सपोर्ट वेसल्स जो है उन्हें लॉन्च किया है। ठीक है, सो वो उनके नाम क्या है ये हमें बताना है, दैट इज निस्तार एंड निपुण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे बिल्ड किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, एंड इसे लॉन्च किया गया था विशाखापट्टनम से। ओके, सो इंडियन नेवी ने इसे लॉन्च किया है जिसका नाम है निस्तार एंड निपुण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट हैज नोटिफाइड द कंट्रीज फर्स्ट डुकोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पार्क बे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कंट्री का पहला डुकोंग कंजर्वेशन रिजर्व पार्क बे में कहाँ पर नोटिफाई किया गया, कौन से स्टेट में इसे नोटिफाई किया गया। सो वो स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज नोटिफाइड द कंट्रीज फर्स्ट डुकोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पार्क बे कवरिंग एंड कोस्टल वाटर ऑफ थंजावूर एंड पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट विद द एरिया ऑफ 448 स्क्वायर किलोमीटर। एट प्रेजेंट देयर आर अराउंड 240 डुकोंग्स इन इंडिया एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फाउंड इन तमिलनाडु कोस्ट। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कंट्री में सबसे पहला कहाँ पे नोटिफाई किया, दैट इज़ तमिलनाडु, ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद कि ये जो कवर करता है ये कोस्टल वाटर कौन से डिस्ट्रिक्ट का कवर करता है, तो वो है थंजावूर का एंड पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट का कवर करता है 448 स्क्वायर किलोमीटर्स में। ओके, एट प्रेजेंट इंडिया में 240 डुगोंग्स है एंड मेजॉरिटी जो है वो तमिलनाडु में है। ओके, अब लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट तमिलनाडु का स्टैटिक। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर MK Stalin है एंड गवर्नर है RN Ravi। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ अबाउट टू लॉन्च अ कैंपेन ऑन वुमेन सेफ्टी नेम्ड हमारी बेटी हमारा मन आर डॉटर आर ऑनर। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कैंपेन जो है लॉन्च किया है वुमेन सेफ्टी के लिए जिसका नाम है हमारी बेटी हमारा मन। ठीक है, सो वो गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ये जो कैंपेन है ये फोकस करेगा, ये अवेयरनेस लाएगा स्कूल्स में कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, सेफ्टी मेजर्स जो है वो लेगा ओके, और उनके लिए वो रजिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन जो है वुमेन रिलेटेड क्राइम्स जो है हो रहे हैं उसके ऊपर जो है वो निगरानी रखी जाएगी ओके. सो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, ये कैंपेन है जिसका नाम है हमारी बेटी हमारा मन ओके, आर डॉटर आर ऑनर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च स्केल ऐप फॉर स्किल डेवलपमेंट इन लेदर इंडस्ट्री, व्हाट डज स्टैंड्स फॉर ई इन स्केल. सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने रिसेंटली स्केल एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया है फॉर द स्किल डेवलपमेंट इन लेदर इंडस्ट्री. सो हमें यहाँ पे ई क्या स्टैंड करता है ये हमें बताना है. ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉइज, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. स्केल का कंप्लीट फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज ओके. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना होगा. नॉट नेसेसरी ई स्टैंड फॉर पूछा जाए, कुछ भी आपको पर्टिकुलर लेटर के बारे में पूछा जा सकता है, इससे आपको कंप्लीट पता होना इंपॉर्टेंट है. स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज ओके. सो स्केल वॉज अनेबल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान एट द CSIR इन चेन्नई. सो ये जो स्केल एप्लीकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसे लॉन्च किया गया कहाँ पर, CSIR में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च कहाँ पर, चेन्नई में ओके. उसके बाद दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एजुकेशन टेस्टिंग एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लेदर सेक्टर. तो लेदर सेक्टर से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, टेस्टिंग है, एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी कीपिंग वन डे रिजर्व फॉर वुमेन लेजिस्लेचर टू स्कीप टू स्पीक एंड रेज वुमेन सेंट्रिक इशूज इन द हाउस. सो कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो है वन डे रिजर्व किया है वुमेन लेजिस्लेटर्स के लिए ताकि वो बोल सके, वो अपनी आवाज़ रख सके टूवर्ड्स वुमेन इशूज इन द हाउस. तो वो है यूपी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. यूपी गवर्नमेंट ने जो है अलाउ किया है जो भी वुमेन लेजिस्लेटर है वो एक दिन उनके लिए रिजर्व रखा है ताकि वो वुमेन सेंट्रिक इशूज पे जो है वो बात कर पाए एंड उसके ऊपर कुछ रिजोल्यूशन कर पाए ओके. सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एनेबल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन वाया UPI विच कंपनी हैज पार्टनर विद NPCI. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरा पे. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ NIPL के साथ जो है पार्टनरशिप किया है वाया UPI जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो है वो किए जाएंगे. तो वो है टेरा पे. ये एक कंपनी है, इसने NIPL के साथ पार्टनरशिप किया है जिसके तहत जो है UPI के थ्रू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो है वो किए जाएंगे ओके. सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब इसके तहत जो है इंडियन कंज्यूमर, जो भी इंडियन मर्चेंट्स जो है वो लोग UPI के थ्रू जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अब्रॉड ओके. सो टेरा पे क्या है, टेरा पे इज नथिंग बट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ओके, जो कि NIPL के साथ क्या कर रही है, NIPL के साथ पार्टनरशिप कर रही है एंड उसके तहत हम लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो है वो इजिली कर सकते हैं वाया UPI ओके. सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI कैंसल द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक. सो RBI ने रिसेंटली कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया है, तो वो कौन सी बैंक है जिसका लाइसेंस उन्होंने कैंसिल किया रिसेंटली, दैट इज लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक जो कि सोलापुर महाराष्ट्र की बैंक है. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग द फॉलोइंग एज रिलीज अ बुक ऑफ PM मोदी सिलेक्टेड स्पीचेस सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एट आकाशवाणी भवन इन न्यू दिल्ली. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा MVenkaiah Naidu. सो MVenkaiah Naidu ने इस बुक को रिलीज किया है एंड इस बुक में जो है मोदी जी ने जो भी भाषण दिए हैं, जो भी स्पीचेस दिए, 86 स्पीचेस अराउंड वेरियस सब्जेक्ट्स, तो उन सारे स्पीचेस को इसमें इंक्लूड किया गया है एंड उसका नाम रखा गया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास. वो सारे स्पीचेस को इसको इंक्लूड करके एक बुक बनाई गई है एंड इसे रिलीज किया गया है MVenkaiah Naidu द्वारा ओके. सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अराउंड 86 स्पीचेस को इसमें जो है कवर किया गया है
ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया हाउ मेनी सिटीज विल बी रैंक इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम बेस्ड ऑन देयर एक्शन टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इंडिया की कितनी सिटीज को कवर किया जाएगा इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है लॉन्च कर रहा है, एंड ये जो प्रोग्राम है ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, ओके एंड उसी के ऊपर इसे बनाया गया है। सो इसमें इंडिया की सिटीज को रैंक किया गया है 131 सिटीज को। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 131 सिटीज ने इसमें रैंक किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ महारत्न बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने महारत्न का जो टाइटल है वो रिसीव किया है बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो है REC लिमिटेड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। REC ये 12th कंपनी है जिसने महारत्न स्टेटस जो है वो हासिल कर लिया है, और REC किस पे फोकस करती है, पावर सेक्टर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। सो ये जो फोकस करती है ये पावर सेक्टर के लिए फोकस करती है, उसके फाइनेंस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए अक्रॉस इंडिया। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट पावर यूटिलिटीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स एंड प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज। ओके सो REC ये 12th कंपनी बन चुकी है जिसे महारत्न का स्टेटस जो है मिल चुका है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर हैज इनॉग्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ द लोक मंथन प्रोग्राम। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुवाहाटी। कौन से सिटी में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर द्वारा 3rd एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम को जो है इनॉग्रेट किया गया, ये हुआ गुवाहाटी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गिव ट्रिब्यूट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट फ्रीडम फाइटर चंडीगढ़ एयरपोर्ट विल बी रीनेम। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर को ट्रिब्यूट करते हुए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है रीनेम किया गया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगत सिंह। सो भगत सिंह के नाम पर जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोदी जी ने जो ऐसा अनाउंस किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रीनेम होगा और वो रखा जाएगा शहीद भगत सिंह के नाम पर। ओके सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बतुकम्मा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी। सो बतुकम्मा फेस्टिवल जो है इनमें से कौन से स्टेट एंड यूटी से एसोसिएटेड है, ओके कहां पर ये मनाया जाता है, तो वो है तेलंगाना। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बतुकम्मा इज अ वाइब्रेंट कलरफुल फ्लोलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट गस्टो बाय द वुमेन इन तेलंगाना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू हैव अ वाइड एंड लास्ट माइल नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी फॉर 4G एंड 5G इन एवरी विलेज द गवर्नमेंट विल बी इन्वेस्टिंग हाउ मच मनी। सो इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है कि 4G एंड 5G का हर एक विलेज में उसकी नेटवर्क को एक्सेस कर पाए इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है, दैट इज $30 बिलियन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 4G एंड 5G का हर एक विलेज में वाइड और अच्छी तरीके से नेटवर्क जो है एक्सेस हो पाए, अच्छी तरीके से फैल पाए 4G और 5G हर एक विलेज में, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है $30 बिलियन जो है इन्वेस्ट किए। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। 3G जो है वो 2001 में आया था, 4G 2009 में आया था, एंड 5G जो है 2020 में आया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज रिसीव्ड द अचीव द 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। कौन से डिस्ट्रिक्ट ने जो है अचीव किया है 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। तो बैंकिंग के जो ऑपरेशन है वो 100% डिजिटलाइज करने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, वो है लेह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेह जो है उसने अचीव किया है 100% डिजिटलाइजेशन, जो भी बैंकिंग के ऑपरेशन होंगे वो सारे डिजिटलाइज होंगे। ओके ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। सो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए, ये पूछा जा रहा, आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्के। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रिसेंटली मैंने आप लोगों को अपॉइंटमेंट का एक सेशन प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने लास्ट 3 मंथ की अपॉइंटमेंट सारी कवर अप की थी। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा होगा तो वो जरूर जाकर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जिसमें हमने सारी अपॉइंटमेंट को कवर किया था। एंड उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि दिलीप तिर्के जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हॉकी इंडिया के, जो कि फॉर्मर इंडिया टीम, इंडिया की जो हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। ओके सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर वो सेशन नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑन 25th of September 2022। सो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है कंप्लीट हुआ है 25 सितंबर 2022 को, तो कितने ईयर्स के साथ कंप्लीट हुआ है
ये पूछा जा रहा है, मतलब उसके कितने साल पूरे हुए हैं 25 सितंबर 2022 को। ओके, सो 8 साल पूरे हो चुके हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट टाइम जो आया था 2014 में आया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मोदी जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 2014 में। ओके, आज 2022 में 25 सितंबर को, ओके 25th of September 2022 को इसे 8 साल पूरे हो गए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिता वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय डैश। सो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिता जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है वो जगदीप धनकर द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक बुक है जो कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर द्वारा लॉन्च की गई इन अ प्रोग्राम न्यू दिल्ली में। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स फॉर मल्टीपल डिस्कवरीज इन थियोरटिकल कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स हैज बीन वन बाय। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 2023 का ब्रेक थ्रू प्राइज मैथमेटिक्स में जो है वो किसने जीता है फॉर द मल्टीपल डिस्कवरीज इन थियोरटिकल कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो वो है डेनियल स्पेलमा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू सेट अप अ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। सो HPCL में, HPCL ने इनमें से कौन सी कंपनी के साथ जो है पार्टनरशिप करके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया, तो वो है हीरो मोटर कॉर्प। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। HPCL ने हीरो मोटर कॉर्प के साथ क्या है पार्टनरशिप किया है जिसके तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर प्रोग्राम स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइन द प्रोटोकॉल विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि स्पर्श प्रोग्राम के तहत जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो प्रोटोकॉल साइन किए वो कौन से बैंक के साथ साइन किए, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC बैंक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बिलेट न्यूज़ के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अलग अलग टॉपिक से मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगी, तो सेशन को कंटिन्यू देखना है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को। सबसे पहले न्यूज़ है हमारी, इंदौर टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद डिजिटल एड्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया का ऐसा कौन सा फर्स्ट सिटी है जो कि डिजिटल एड्रेस लेकर आया है एंड इसे स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, तो वो है इंदौर। BSF फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड टू बी डिप्लॉय अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्या बोला जा रहा है, BSF की जो फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड जो है उनको जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लिए तैनात किया गया है। तो ये फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड है, ओके इसलिए ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है, जितेंद्र सिंह लॉन्च अ डैशबोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने लॉन्च किया है डैशबोर्ड को, और वो किस चीज़ का डैशबोर्ड उन्होंने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ओके, धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च है रामाकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम। सो धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने रामाकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 7NH प्रोजेक्ट इन ग्वालियर। वेरी इंपॉर्टेंट, तो 7NH प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे लाया उन्होंने, ग्वालियर में लाया। एग्रोकेमिकल फर्म UPL लिमिटेड पार्टनर विद क्लीन मैक्स ऑन 5 MW सोलर विंड प्रोजेक्ट इन गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रोकेमिकल फर्म UPL जो है उसने पार्टनरशिप किया है क्लीन मैक्स के साथ जिसके तहत 5 MW सोलर विंड प्रोजेक्ट को जो है गुजरात में लाया गया है। इंडियन नेवी साइन MOU विद MIT यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक कोऑपरेशन। सो इंडियन नेवी ने किसके साथ MOU साइन किया है, MIT यूनिवर्सिटी के साथ किया है, किसके लिए, एकेडमिक कोऑपरेशन के लिए। न्यू तेलंगाना सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स टू बी नेम आफ्टर आर आम्बेडकर। सो बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पे जो है न्यू तेलंगाना सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स का नाम जो है वो रखा जाएगा। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह प्रेजेंटेड इंस्पायर अवार्ड टू 60 स्टार्टअप। सो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने इंस्पायर अवार्ड जो है 60 स्टार्टअप्स के लिए प्रेजेंट किए। इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री इनॉग्रेटेड इन आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लिथियम सेल आयन फैक्ट्री जो है आंध्र प्रदेश में आई है इंडिया में। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ लॉन्चेस अ सीरीज टाइटल दूर से नमस्ते। सो USAID एंड यूनिसेफ ने एक सीरीज को लॉन्च किया है जिसका नाम है दूर से नमस्ते। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की गई न्यू दिल्ली में। मोदी जी ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट चित्ता रिहैबिलिटेशन सेंटर। सो पहला चित्ता रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया, कहां पे लॉन्च किया गया ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
नेक्स्ट है वाराणसी नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर SEO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल एट 22nd मीटिंग ऑफ द SEO काउंसिल इन समरकंड उज्बेकिस्तान. तो 22nd मीटिंग हुआ SEO का कहाँ पर हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, दैट इज समरकंड उज्बेकिस्तान में हुआ. तो वहाँ पे फर्स्ट एवर SEO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल जो है उसके लिए वाराणसी को नॉमिनेट किया गया. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है रिलेटेड टू SEO, ये नेक्स्ट पेज में आपको बताती हूँ. आइए SEO जो है 2023 का होस्ट होगा इंडिया में, ये आपको ध्यान में रखना है. ये पूछा जा सकता है कि 2023 का जो SEO कहां पे होस्ट होगा, दैट इज इन इंडिया. ओके, इसके पहले एक न्यूज हमने स्किप की थी, दैट इज इंडिया रैंक फोर्थ ऑन ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022. सो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक फोर्थ है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. SEO का फुल फॉर्म होता है शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. बिहार टू इंट्रोड्यूस मैंडेटरी गेम्स पीरियड नो बैग डे इन स्कूल. तो बिहार ने इंट्रोड्यूस किया है मैंडेटरी गेम और वो गेम है नो बैग डे टू स्कूल. ओके, मतलब गेम पीरियड मैंडेटरी होने वाला है जिस तो उसकी वजह से एक दिन ऐसा रहेगा जिस दिन कोई बैग्स लेकर स्कूल में जाना नहीं होगा. तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि नो बैग डे स्कूल्स ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और कौन सी स्टेट ने इसे लाया, दैट इज बिहार. तेलंगाना गवर्नमेंट इंक्रीज द स्टेट रिजर्वेशन टू 10% फ्रॉम 6%. वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ST रिजर्वेशन जो है उसे इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 6% टू 10%, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो ये तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा किया गया इनिशिएटिव है. ST का जो रिजर्वेशन है वो बढ़ा दिया गया 6% से 10% कर दिया गया है. ओके, नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डिक्लेयर इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश. सो अंडमान निकोबार जो है वो डिक्लेयर किया गया फर्स्ट इंडिया का स्वच्छ सुजल प्रदेश. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा डेडिकेटेड 120 फीट टॉल नेशनल फ्लैग टू नेशन एट पुलवामा. सो मनोज सिन्हा जो है वो गवर्नर है कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के. तो उन्होंने 120 फीट टॉल नेशनल फ्लैग को जो है डेडिकेट किया एट पुलवामा. तो आपको उसका लेंथ पूछा जा सकता है, कितना लेंथ लंबाई थी उसकी, दैट इज 120 फीट. ओके, कहाँ पर किया, एट पुलवामा. महाराष्ट्र टू सेटअप अ नीति आयोग लाइक इंस्टीट्यूशन. महाराष्ट्र क्या करने वाला है, नीति आयोग के जैसा इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने वाला है. सोशल जस्टिस मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार इनॉग्रेटेड 9 मॉडल डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिटलाइजेशन सेंटर. सो सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो है वीरेंद्र कुमार, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 9 मॉडल डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिटलाइजेशन सेंटर को. यूनिसेफ अपॉइंटेड क्लाइमेट एक्टिविस्ट वेनेसा नकाते एज अ गुडविल एम्बेसडर. सो यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है क्लाइमेट एक्टिविस्ट वेनेसा को एज अ गुडविल एम्बेसडर. अडानी ग्रीन कमीशन 325 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश. सो अडानी ग्रीन ने क्या किया है, 325 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश में जो है एस्टैब्लिश किया है. दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉन्च कम्युनिटी पॉलिसिंग इनिशिएटिव वी केयर. सो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने वी केयर इस इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया है. तमिलनाडु साइन एन MOU विद मेघालय ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज. तो तमिलनाडु ने MOU साइन किया है तेलंगाना के साथ फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज. नागालैंड प्रिजन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन. सो नागालैंड का जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उन्होंने एक मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है. वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि प्रिजन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करने वाला, मतलब कि मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करने वाला फॉर द प्रेजेंट डिपार्टमेंट कौन सा स्टेट है, तो वो नागालैंड है. ओके, नेक्स्ट है टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल लॉन्च सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विद वॉवे एट NIT पटना. टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल जो है उसने लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विद वॉवे एट NIT पटना. मणिपुर CM एन बीरेन सिंह लॉन्च CM द हेसी वेब पोर्टल. सो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है CM द हेसी वेब पोर्टल को. वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया 150 मिलियन लोन टू पंजाब फॉर द बेटर फाइनेंसिस. इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, 8 अफ्रीकन चित्ता दैट वर एयर लिफ्टेड फ्रॉम नामीबिया वेर रिलीज इन कूनो नेशनल पार्क इन सेंट्रल इंडिया. सो 8 अफ्रीकन चित्ता जो है नामीबिया से इंडिया में आए, कहाँ पर आए वो, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उन्हें लाया गया है. आउट ऑफ 8 जो 5 थे वो फीमेल चित्ता थे एंड 3 ऑफ देम जो थे वो मेल थे, यह आपको ध्यान में रखना है. आफ्टर 70 ईयर्स ये जो है इनिशिएटिव जो है लिया गया है. सो मोदी जी ने इस इनिशिएटिव को उनके बर्थडे पे ये
अनाउंस किया था कि 8 अफ्रीकन चित्ता जो है जो कि नामीबिया से इंडिया में आए हैं, ओके, जो कि हमारे इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके थे, ओके. सो आउट ऑफ 8 आपको ये ध्यान में रखना है कि 5 जो है वो फीमेल है और 3 जो है वो मेल है. कहाँ से आए? नामीबिया से आए. कहाँ पर उन्हें लाया गया? कुनो नेशनल पार्क, ओके. ये आपको ध्यान में रखना है, ओके. नेक्स्ट वन है, सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द मल्टीपल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोगीबील रीजन इन डिब्रूगढ़. द यूनियन मिनिस्टर बिसाइड लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 फ्लोटिंग जेटीज एट द बोगीबील एंड गुइजान ऑल्सो इनॉग्रेटेड द बोगीबील रिवर फ्रंट पैसेंजर जेटी. द 2 जेटीज आर एस्टिमेटेड टू बी बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹8.25 करोड़ एंड इज स्केड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाई February 2023. सो ये जो था ये कंप्लीट न्यूज है जिसमें मल्टीपल चीजें बताई गई है. सो यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो है उन्होंने क्या किया है, बोगीबील रीजन जो है डिब्रूगढ़ आसाम का, उसका डेवलपमेंट के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है. सो उन्होंने क्या किया है, बोगीबील एंड गुइजान ये जो 2 फ्लोटिंग जेटीज है इनकी जो है नींव रखी एंड उसी के साथ साथ उन्होंने बोगीबील रिवर फ्रंट पैसेंजर जेटी जो है उसका भी उद्घाटन किया, ओके. सो और ये जो 2 फ्लोटिंग जेटीज है इसके लिए जो कॉस्ट एस्टिमेट की गई है दैट इज 8.25 करोड़ रुपीज एंड इसको ऐसा बताया जा रहा है कि इट इज स्केड्यूल टू बी कंप्लीटेड बाई द ईयर 2023. तो फेब्रुवरी 2023 तक इसे कंप्लीट किया जाएगा ऐसा बताया गया है, ओके. सो अमाउंट कब तक कंप्लीट किया जाएगा, कौन सी 2 फ्लोटिंग जेटीज को कंस्ट्रक्ट किया गया ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और उसी के साथ साथ उन्होंने और क्या इनॉग्रेट किया दैट इज बोगीबील रिवर फ्रंट पैसेंजर जेटी, ओके. किसके द्वारा ये सारी चीजें लॉन्च की जा रही है, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा. वो कौन से यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है. सो वो है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष मिनिस्टर और उन्होंने ये सारी चीजें जो है ये किस लिए लाई, बोगीबील रीजन जो डिब्रूगढ़ आसाम का है उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ये सारी चीजें जो है बुलाई है, ओके. सो ये था हमारा कंप्लीट न्यूज, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन. ओडिशा गवर्नमेंट अप्रूव 261 करोड़ फॉर लिवलीहुड एक्शन प्लान फॉर कोस्ट रीजनरेशन क्लाइमेट रिसाइलेंस. सो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उन्होंने 261 करोड़ रुपीज जो है अप्रूव किया है फॉर द लिवलीहुड एक्शन प्लान. नेक्स्ट न्यूज है हमारा, कश्मीर फर्स्ट एवर मल्टीप्लेक्स ओपन इन श्रीनगर. कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स जो है श्रीनगर में ओपन किया गया. स्किल इंडिया पार्टनर विद सैमसंग टू ट्रेन इंडियन यूथ. स्किल इंडिया ने पार्टनरशिप किया है सैमसंग के साथ जिसके तहत इंडियन यूथ को ट्रेन किया जाएगा. एससी अपॉइंटेड जस्टिस एल नागेश्वरा राव फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. सो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एल नागेश्वर राव जो है उन्हें नियुक्त किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान के संशोधन के लिए, ओके. नेक्स्ट न्यूज हमारा, वीपी जगदीप धनकर इनॉग्रेटेड लोकमंथन प्रोग्राम. सो लोकमंथन प्रोग्राम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया वो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, जगदीप धनकर द्वारा जो कि 22 प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडिया के. वर्ल्ड बैंक अप्रूव 350 मिलियन लोन टू गुजरात फॉर द हेल्थ सेक्टर. देखिए जगदीप धनकर जो थे वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे बट आफ्टर दैट उन्हें अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है इंडिया का. तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि जगदीप धनकर जो थे वो कौन से स्टेट के वाइस गवर्नर थे, तो वो थे वेस्ट बंगाल के और रिसेंटली वो बने हैं वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, ओके. तो हमारी न्यूज़ थी वर्ल्ड बैंक की. वर्ल्ड बैंक ने 350 लोन जो है गुजरात को है अप्रूव किया है फॉर दी हेल्थ सेक्टर. सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, द इसराइल एम्बेसी इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद खुशी फाउंडेशन लॉन्च अ स्पेशल प्रोजेक्ट सारस दैट प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट मेनस्ट्रुअल हाइजीन एंड अवेयरनेस इन अर्थला गाजियाबाद. सो इसराइल एम्बेसी जो है इंडिया का उसने कोलैबोरेशन किया है खुशी फाउंडेशन के साथ एंड उन्होंने लॉन्च किया एक स्पेशल प्रोजेक्ट जिसका नाम है सारस जो कि अर्थला गाजियाबाद की वुमेन है उन लोगों के लिए है. वहाँ पे वो प्रमोट करेगा विमेन एम्पावरमेंट को, मिनिस्ट्रुअल हाइजीन को एंड अवेयरनेस को, ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भी अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन. हम लोगों ने नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर किया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप आप सभी ने अच्छी तरीके से सारी न्यूज़ को गो थ्रू किया होगा. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अपॉइंटमेंट. अगेन वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके. सबसे पहली अपॉइंटमेंट है प्रलय मंडल अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक, सीएसबी कैथोलिक सीरियन बैंक. सो कैथोलिक सीरियन बैंक के जो न्यू सीईओ बने हैं दैट इज प्रलय मंडल. विनोद अग्रवाल इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर. सो विनोद अग्रवाल जो है वो SIAM के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के, ओके. सुमन कटपालिया रीअपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक. सो इंडसइंड बैंक के जो MD CEO रीअपॉइंट हुए वो है सुमन कटपालिया. नेक्स्ट है विजय कुमार सिंह अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द एक्स आयुष्मान वेलफेयर डिपार्टमेंट. सो विजय कुमार सिंह जो है वो अपॉइंट
अपॉइंट हुए हैं एज अ सेक्रेटरी ऑफ एक्सरसाइज एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के। प्रसन्ना कुमार मोटुपाली अपॉइंटेड एज अ सीएमडी ऑफ एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया के जो सीएमडी बने हैं प्रसन्ना कुमार मोटुपाली है। नेक्स्ट है आरबीआई डिप्टी गवर्नर रामा सुब्रमण्यम गांधी अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ येस बैंक। येस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं रामा सुब्रमण्यम गांधी। गवर्नमेंट अपॉइंटेड रतन टाटा केटी थॉमस एंड क्रिया मुंडा एज अ ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर फंड। सो पीएम केयर फंड के जो ट्रस्टी बने हैं वो है रतन टाटा केटी थॉमस एंड क्रिया मुंडा। वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है मैक्स लाइफ रोप्ड रोहित शर्मा एंड रितिका सचदेह एज अ ब्रांड एम्बेसिडर। सो रितिका एंड रोहित शर्मा ये दोनों बने हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसिडर। आर वेंकटरमनी अपॉइंटेड एज अ न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए 1st अक्टूबर को इनका जो है कार्यकाल शुरू हो जाएगा और ये न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं आर वेंकटरमनी। ओके एंड लास्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीडीएस न्यू अपॉइंट हुए हैं आफ्टर जनरल बिपिन रावत। उनका 9 महीने पहले जो है देहांत हुआ था एंड उसके बाद इन्हें अपॉइंट किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में जो है सीडीएस पूछे जाते हैं, आपको भी पूछा जा सकता है, नॉट नेसेसरी फॉर दिस एग्जामिनेशन, कोई भी अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो सीडीएस आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। अभी जो न्यू बने हैं दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ओके सो ये थी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ को। विनेश फोगाट वन 2 मेडल्स एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने 2 मेडल्स जीते हैं। प्रणव आनंद बिकेम्स 76 चेस मास्टर। 76 चेस मास्टर कौन बने? प्रणव आनंद बने हैं। बजरंग पुनिया वन ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देवेंद्र झाझरिया ने पैरा एथलीट जो हुआ ग्रैंड प्रिक्स उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है। दुरंत कप 2022 में बेंगलुरु ने डिफीट किया है मुंबई को, ठीक है, और वो चैंपियन बन चुकी है। बांग्लादेश डिफिटेड नेपाल टू क्लिंच मेडन साफ वुमेन चैंपियनशिप टाइटल 2022। सो बांग्लादेश ने हराया है नेपाल को और अगेन बांग्लादेश जो है वो जीता है इंसाफ वेमेन चैंपियनशिप का टाइटल 2022 का। लिंडा फ्रीहोतवा वन चेन्नई ओपन 2022 टाइटल। तो 2022 का चेन्नई ओपन का टाइटल जो है वो लिंडा फ्रीहोतवा ने जीता है। एल्विस अली बिकम्स ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। सो एल्विस अली जो है वो ओल्डेस्ट इंडियन है जिन्होंने नॉर्थ चैनल को जो है पार किया है। इंडिया टू होस्ट मेडन मोटो जीपी रेस इन 2022। सो मोटो जीपी रेस को इंडिया होस्ट करेगा 2023। ओके नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। SBI वी केयर FD स्कीम एक्सटेंडेड टिल 31st ऑफ मार्च 2023। सो SBI का वी केयर FD स्कीम जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 2023 मार्च तक। देन SBI कोलैबोरेटेड विद रिमिटली फॉर सिक्योर एंड इजी रेमिटेंस टू इंडिया। सो SBI ने भारत को सुरक्षित और आसान प्रेषण के लिए रिमिटली के साथ उसने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है। सिंगापुर सेंट्रल बैंक पार्टनर विद इंडिया IFSCA टू परस्यू फिनटेक इनोवेशन। सो सिंगापुर सेंट्रल बैंक ने पार्टनरशिप किया है IFSCA के साथ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी के साथ, जिसके तहत फिनटेक इनोवेशन को क्या किया जाए, परस्यू किया जाए। ओके बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज बुक्स एंड ऑथर। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिलीज अ बुक आंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन कंपाइल बाय द ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन। सो रामनाथ कोविंद जो थे वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, न्यू बनी है द्रौपदी मुर्मू। सो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद उन्होंने बुक रिलीज किया है जिसका नाम है आंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। ओके सो इसे कंपाइल किया गया है ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन द्वारा। एंड नेक्स्ट बुक जो है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, इस बुक को रिलीज किया गया है एंड इसके ऑथर जो है वो है जीवेश नंदन एंड इसे रिलीज किया गया है मनोज वाजपेयी के द्वारा। ओके लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट डेज। 17 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, इस साल का थीम था मेडिकेशन सेफ्टी। 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बैम्बू डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 19 to 25th of September जो है वो इंटरनेशनल वीक मनाया गया ऑफ द डेफ पीपल, इस साल का थीम था बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। 21 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, दैट इज ऑन 21st of September जो पीस डे मनाया जाता है, एंड अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है इस दिन। तो दोनों का इस साल का थीम मैं बता देती हूँ, पीस का था एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस, एंड अल्जाइमर डे का था नो डिमेंटिया नो अल्जाइमर्स।
22nd ऑफ सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे, जिसका थीम था फाइव राइनो स्पीसीज फॉर एवर। एंड 23rd ऑफ सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल का थीम था साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। सो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोग सितंबर का थर्ड एंड फोर्थ वीक कवर किया। आई होप आपको आज का सेशन कंप्लीटली समझ आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपकमिंग डेज में आप लोग कौन सा सेशन चाहते हो, कौन सी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।